गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल धीरेन्द्र झा प्रॉपर्टी पर। तो दोस्तों, आज की जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि अभी आपने मेरे वीडियो के स्टार्ट में देखा ही होगा, एक सैंपल फ्लैट, स्पेशली 3 BHK का जो सैंपल फ्लैट है उसका मैंने एक झलक स्टार्ट में आपको दिखाया हूँ। तो सबसे पहले बता दूँ कि ये जो प्रॉपर्टी है दोस्तों, ये एड्रेस के हिसाब से तो नेरुल ये लोकेशन पड़ता है प्रॉपर्टी का, रहेजा यूनिवर्सल एनएक्स का ये प्रॉपर्टी जो है, वाशी एनएक्स में पड़ता है ये रहेजा यूनिवर्सल जो है, इस प्रॉपर्टी का नाम है। तो एक वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी जो है मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, एक अच्छे प्राइम लोकेशन पे, नवी मुंबई के प्राइम लोकेशन का ये प्रोजेक्ट है। और सबसे पहले आप जो है इसका सैंपल फ्लैट देखिए, होपफुली आपको इसका जो 3 BHK का जो सैंपल फ्लैट, बहुत ही यूनिक सैंपल फ्लैट है, आपको पसंद आएगा। तो जब सबसे पहले जो है आप इसका सैंपल फ्लैट देखिए, फिर इसका क्या प्राइसिंग है, क्या लोकेशन है, सारे कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए सबसे पहले सैंपल फ्लैट देखिए, 3 BHK फ्लैट, 1202 कारपेट, किचन, ये पूरा फर्निश करके दिखाया गया कि आप इस तरह से बना सकते हैं। किचन में भी स्पेशियस बालकनी है, दिखा दूँ यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन वगैरह रख सकते हैं, काफ़ी स्पेस है बालकनी का। टैप वगैरह देख सकते हैं, जगुआर फिटिंग्स। चलते हैं लिविंग एरिया, द यूनिक पॉइंट ऑफ द 3 BHK लिविंग एरिया है कि क्रॉस वेंटिलेशन, दोनों साइड में विंडो है, यहाँ से भी आपका पूरा ओपन रहेगा विंडो, और लिविंग एरिया का अदर साइड में भी आपका पूरा व्यू ओपन रहेगा, मतलब क्रॉस वेंटिलेशन एक बहुत ही यूनिक है। जितने भी प्रॉपर्टी आजकल बन रहे इस तरह से दोनों साइड में ओपन नहीं मिलता लिविंग रूम में। चलिए ये रहा सोफा, ये रहा बैल्कनी 3 BHK का, स्पेशियस बैल्कनी। ये रहा लिविंग एरिया का, दिखा दो, ये आपका पूरा सर्निश करके बिल्डर दिखा रहे हैं कि आप इस तरह से बना सकते हैं। सोफ़ा एरिया, वहाँ पे डाइनिंग एरिया, वहाँ पे देख सकते हैं सामने भी ओपन, मतलब लिविंग एरिया में 2 विंडो रहेंगे, एक ये साइड में और एक दूसरा ये साइड में, मतलब पूरा आपका लिविंग एरिया जो है, लिविंग रूम, वो पूरा क्रॉस वेंटिलेशन रहेगा। चलते हैं फर्स्ट मास्टर बेडरूम की तरफ, यहाँ पे सेटिंग टेबल का एरिया, स्टडी टेबल बनाया हुआ है, स्पेस है उतना जो बिल्डर ने दिखाया कि आप यहाँ पे स्टडी टेबल बना सकते हैं, यहाँ पे बेड, यहाँ पे जो स्पेस है वो वार्डरोब स्पेस है, इतना डीप है, डीप देख लीजिए वार्डरोब कितना डीप है, बना सकते हैं। और ये रहा फर्स्ट मास्टर बेडरूम का वॉशरूम, आप देख सकते हैं जगुआर फिटिंग्स, सारे अमेरिकन टाइल जगुआर फिटिंग्स, मतलब कोई भी क्वालिटी में कोई भी कंजूसी नहीं है। यहाँ पे भी जो है ड्राई बालकनी है, यहाँ पे भी आप वॉशिंग मशीन रखना चाहें तो रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। अब चलते हैं बस कॉमन बेडरूम की तरफ, इधर फिर से देख लीजिए लिविंग रूम का व्यू, ये रहा इसका कॉमन वॉशरूम 3 BHK फ्लैट का, ये वो फिटिंग्स, बड़ी सी मिरर, यहाँ पे कपबोर्ड्स, टैप वगैरह जो भी आप देख सकते हैं, पूरे जगुआर फिटिंग्स रहेंगे फ्लैट्स में। और यहाँ पे भी जो है आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्पेशियस बालकनी जो है यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप एसी यूनिट्स बाहर के आउटडोर चाहें तो लगा सकते हैं। यह है कॉमन वॉशरूम जिसपे भी सामने में एक बड़ा बालकनी, स्पेस ड्राई बालकनी दिया हुआ है।
पहले ये दिखाता हूँ, ये 3 BHK का कॉमन बेडरूम, ये आप पहले देख लीजिए, बड़ा सामने में वार्डरोब, यहाँ पे बेड, और यहाँ पे भी जो है स्पेस एक बना सकते हैं आप स्टडी टेबल के लिए, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं विंडो जो है फुल विंडो मतलब दिया पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक का विंडो। ये है कॉमन बेडरूम 3 BHK का। अब ये रहा सेकंड मास्टर बेडरूम 3 BHK फ्लैट का, यहाँ पे भी देख सकते हैं वार्डरोब आप लंबा ऊपर से नीचे तक बना सकते हैं, यहाँ पे आपका बेड, और यहाँ पे भी जो है आप देख सकते हैं ये मास्टर बेडरूम में एक बड़ी बैल्कनी जो है दी हुई है, जहाँ पे आप आराम से टोटल मतलब 3 बैल्कनी आपको मिल रही है फ्लैट में, इतना बड़ा बैल्कनी आराम से यहाँ पे बैठ के भी आप इवनिंग के टाइम में चाय कॉफ़ी पी सकते हैं एक अच्छे बेहतरीन व्यू के साथ। और ये रहा 3 BHK फ्लैट का अटैच टॉयलेट, 3 BHK फ्लैट का बेडरूम का मास्टर बेडरूम का अटैच टॉयलेट। तो चलिए जल्दी से एक बार आपको फिर से दिखा दूँ, ये रहा बेडरूम फर्स्ट मास्टर बेडरूम, ये कॉमन बेडरूम, ये कॉमन टॉयलेट, और ये रहा लिविंग रूम का व्यू, एक बार आपको अच्छे से दिखा दूँ 360 डिग्री एंगल में। जो यूनिक चीज़ एक बार फिर बता दूँ, ये तरफ भी आपका विंडो ओपन रहेगा और ये तरफ भी विंडो ओपन रहेगा, तो आपका क्रॉस वेंटिलेशन रहेगा लिविंग रूम में। सीलिंग हाइट भी आप देख सकते हैं 10.5 फीट का ऊँचा हाइट वाला सीलिंग रहेगा एकदम। ये रहा फर्स्ट मास्टर बेडरूम जो कि 3 BHK का अटैच टॉयलेट के साथ में, और ये रहा किचन, ये रहा 3 BHK फ्लैट का एक बार आपको यहाँ से दिखा दूँ। एक्चुअल साइट व्यू रहेजा यूनिवर्सल एनेक्स का आप देख सकते हैं, पहला 2 टावर का जो है काम ऑलमोस्ट 12 फ्लोर तक आ चुका है, और पीछे भी क्रेन्स वगैरह आप देख रहे होंगे जहाँ पे 1st फ्लोर तक काम आ चुका है सोलारिस 2 टावर का, और पीछे में सोलारिस 3 टावर का जो है फाउंडेशन लेवल का काम भी हो चुका है। ये है एक्चुअल साइट व्यू रहेजा यूनिवर्सल एनेक्स का, आप देख सकते हैं यहाँ पे बगल में जो ओपन स्पेस है यहाँ पे भी आने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वगैरह जो आएगा वो यहाँ पर आएगा जो ओपन स्पेस पे, और रेजिडेंशियल का जो लैंड पार्सल है वो यहाँ से लेके पीछे तक, पीछे में आप देख रहे होंगे कि वो जो ये देखिए पीछे जो आप देख सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं ये उनका वो पूरा रेजिडेंशियल पीछे तक है, और ये जो 2 टावर आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 12 फ्लोर तक रेडी है, ये यहाँ से शुरू होता है और पीछे तक जाते हैं। ये एक्चुअल साइट व्यू। तो दोस्तों जैसे कि भी आपने सैंपल फ्लैट देखा इस प्रॉपर्टी का स्पेशली 3 BHK, आज का जो ब्लॉग है मैं आपको बता दूं ये 3 BHK प्रॉपर्टी का मैं बना रहा हूँ, रहेजा यूनिवर्सल का जो 3 BHK का जो सैंपल फ्लैट है वो मैं आपको दिखाऊंगा आज के ब्लॉग में कि किस तरह से जो है इसका सैंपल फ्लैट एक बेहतरीन बिल्डर ने कुछ यूनिक स्टाइल में बनाया है, मतलब लिविंग रूम में आपको विंडो अपोजिट साइड में मतलब एक क्रॉस वेंटिलेशन लिविंग रूम जो है बिल्डर ने बनाया हुआ है इसमें, और इसके जो बेडरूम से उससे व्यू भी जो है दो मतलब तीनों साइड का व्यू आपको मिलेगा, तो एक वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी है जिसका सैंपल फ्लैट जैसे कि आपने देखा एक ज़बरदस्त यूनिक स्टाइल में एक सैंपल फ्लैट है। अब मैं दोस्तों इसका जो है आपको लोकेशन का सबसे पहले बता दूं कि दोस्तों ये जो प्रॉपर्टी का लोकेशन है ये एड्रेस वाइज तो नेरुल पड़ता है, बट यहाँ से वाशी जो है बहुत ही पास में है,
रिलायंस का जो कॉरपोरेट पार्क है घनसोली का, वो भी बहुत ही पास में है। मतलब यहाँ से अगर आप बॉम्बे भी जाते हो मुंबई की तरफ, तो आप मुश्किल से आधे घंटे में पहुँच जाओगे। तो एक वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी है ये। और आज मैं बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है खारगर ये सब तरफ के बनाता हूँ, बट आज मैं आपके लिए एक अच्छे लोकेशन पे, एक प्राइम लोकेशन पे जो है ये प्रॉपर्टी मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ आज। तो सबसे पहले अब इसका कारपेट की बात करते हैं। जो आपने सैंपल फ्लैट देखा है 3 BHK का, इसकी कारपेट की बात करते हैं। कारपेट जो है दोस्तों ये है 1202 का, 1202 इसका 3 BHK का कारपेट है। इसका दोस्तों प्राइसिंग जो है वो है 2.99 करोड़ का, 2.99 करोड़ प्लस टैक्सेस जो है इसका प्राइसिंग है 3 BHK का, क्योंकि प्राइम लोकेशन पे है, नवंबर के प्राइम लोकेशन का ये प्रोजेक्ट है और एक प्राइम प्रॉपर्टी है। मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा टाउनशिप है ये पूरा 68 एकड़ में बन रहा है, 68 एकड़ में, जिसमें से जो रेजिडेंशियल जो है तकरीबन 36 एकड़ के में आसपास में रेजिडेंशियल इनका बन रहा है। फिर अगल बगल में कमर्शियल बिल्डिंग होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो और एक बहुत ही मतलब इस एमिनिटीज़ भी जो अगर मैं आपको बताऊँ, तो एमिनिटीज़ जैसे आपने देखा होगा इसका, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में जो मैंने इनका मॉडल दिखाया था उसमें एमिनिटीज़ मैंने दिखाया, वन ऑफ द वो पूरे एमिनिटीज़ जो है वो 6 एकड़ में बन रहे हैं। एक वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी है। 3 BHK से व्यू भी जो है पूरा सामने जो है पूरा पाउंड एक बनाया हुआ है, डेवलपर अंदर में डेवलप कर रहा है उसका व्यू रहेगा। तो एक वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी है, एक अच्छे लोकेशन पे प्रॉपर्टी है, वाशी पास में, जूई नगर रेलवे स्टेशन मुश्किल से 2 मिनट की दूरी पे है, किलोमीटर वाइज अगर आप कहें तो 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो एक अच्छा प्रॉपर्टी है, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी है नवी मुंबई का जो ये बन रहा है। मैं आपको बता दूं इसमें जो है जिस अभी जो फ़िलहाल हम लोग सेल कर रहे हैं वो सोलारिस 3 टावर है, जिसमें हम लोग अभी फ़िलहाल सेल कर रहे हैं, क्योंकि पहले का जो 2 टावर है सोलारिस 1 सोलारिस 2 वो सोल्ड आउट है। सोलारिस 2 में कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है और सोलारिस 3 में तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो आप ऑप्शंस चूज़ करके ले सकते हैं। तो ये आज का जो ब्लॉग है ये 3 BHK का प्रॉपर्टी का ब्लॉग है। कल फिर एक ब्लॉग मैं अपलोड करूंगा, वो रहेगा 2 BHK का, इसी प्रॉपर्टी का रहेगा, यूनिवर्सल का 2 BHK का प्रॉपर्टी का। तो होपफुली आज का ब्लॉग जो दोस्तों आपने सैंपल फ्लैट देखा होगा आपको बेहतरीन लगा होगा, पसंद आया होगा। एक अच्छे प्राइम लोकेशन का प्रोजेक्ट है। अब प्राइम लोकेशन का प्रोजेक्ट है तो बजट तो ज़्यादा होगा ही, बट जो भी ये प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ इसमें भी हम लोग नेगोशिएट कर सकते हैं। होपफुली आपको पसंद आएगा। आपको अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, बेल बटन प्रेस करिएगा। और अगर आप प्राइम लोकेशन पे, नवंबर के प्राइम लोकेशन पे आप प्रॉपर्टी सर्च करें, आपका बजट अगर अच्छा है 3 CR के आसपास, तो आप ज़रूर इस प्रॉपर्टी को एक बार साइट विजिट करें, होपफुली आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, कल फिर मिलेंगे अनदर डे अनदर ब्लॉग में। कल का ब्लॉग भी देखिएगा, क्योंकि कल का ब्लॉग में जो है मैं 2 BHK फ्लैट का सैंपल फ्लैट अपलोड करूंगा और आपको उसका क्या प्राइसिंग है, क्या डिटेल है, सारे कुछ बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, कल फिर मिलेंगे अनदर डे अनदर ब्लॉग में। और हाँ, जाने से पहले कोई अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, कल फिर मिलेंगे अनदर डे अनदर ब्लॉग में। आज के लिए बाय।